हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह, मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, मेरी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी, बट काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप अगर थोड़ा भी ठीक फील करें तो आप वीडियो पोस्ट कर दें, क्योंकि आप लोग सुबह से वेट कर रहे हैं। टैरो वाले पे भी बड़ी वाली रीडिंग पोस्ट नहीं हुई आज। तो गाइज़, मेरी जो आवाज़ है उसकी बैंड बज गई है, और ठंडा गर्म शीत गर्म के कारण मेरा गला जो है वो एक्चुअली दवा पीने के कारण ब्लॉक हो गया है। दवा नहीं पीती तब तक ठीक था, आवाज़ निकल रही थी, बट दवा पीते ही मेरा गला एकदम से जकड़ चुका है। तो अभी मैं काफ़ी ठीक फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो पोस्ट कर दूँ, और चाहे जैसी भी आवाज़ है, फटे बांस जैसी, बट इट्स ओके। आपको एनर्जी बतानी है ताकि आप अवेयर रहें। और मॉर्निंग से अभी तक में मुझे 1.5-2 हज़ार करीब मैसेजेस आए हैं। आप सब इतना प्यार करते हैं उसके लिए थैंक यू। और कुछ नहीं हुआ है, अच्छी खासी हूँ, जिंदा हूँ कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान थे कि वीडियो नहीं आई, तो वीडियो डेफिनेटली पोस्ट हो जाती, बट आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी मेरे गले से। तो जब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी तो मैं बोलती क्या? तो अब मैंने लगातार वो पिया, क्या कहते हैं, पानी में नमक डाल के। और पानी में नमक डाल के, आप कभी भी, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो कि आपकी आवाज़ ना निकल रही हो या बहुत ज़्यादा दर्द हो, कई लोग होते हैं 3-3, 4-4 दिन तक उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जकड़ जाता है गला, तो ऐसे सिचुएशन में आप हनी, फ्रेश हनी, जो फॉरेस्ट हनी होता है, हनी का सेवन करें, और साथ ही साथ गर्म पानी में नमक डालें, कोई भी नमक, सेंधा नमक, सादा नमक, नमक डालें और या तो गरारा करें या फिर आप पी लें उसको, तो बहुत जल्दी आपको रिकवरी होगी। क्योंकि मेरी सुबह तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, आज की एनर्जी पोस्ट की मैंने, उस टाइम भी काफ़ी ख़राब थी आवाज़, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ब्लॉक हो गई, एक हाय भी नहीं निकल रहा था मेरे मुँह से। और बस वही पानी मैंने 3-4 बार लिया, अदरक का पानी, शतावरी का पानी, हल्दी पानी, सुबह से गर्म पानी पे ही जी रही हूँ। और अभी को मैंने सूप लिया है, तो सब गर्म गर्म चीज़ें इनटेक कर रही हूँ, और इससे बहुत जल्दी रिकवरी हुई है, स्पीडी रिकवरी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ही बंद था। तो शायद भगवान चाहते थे कि आप लोग तक एनर्जी पहुँच जाए, वरना मैं 1-2 दिन रेस्ट करने वाली थी, क्योंकि आवाज़ ही नहीं थी। तो मैं सोची क्या डालूँ, मैं कुछ नहीं पोस्ट कर सकते, तो चलिए थोड़ा सा आवाज़ को एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, सुबह भी हैवी थी ना गाइस, मैंने वार्निंग डाली थी, देखिए पहला ही कार्ड टावर का है, मींस एनर्जी इज़ वेरी हैवी। और मैंने नोटिस किया है, जब मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है ना, तो मेरे ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट आ जाता है, क्योंकि मैं खुद भी मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ, मतलब हमेशा से ही मैस्कुलिन एनर्जी मैंने कैरी की हुई है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी पर होगा, और टावर की एनर्जी है यहाँ पर, तो जब भी कलेक्टिव में हैवीनेस होती है तो मुझ पर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आ जाता है, क्योंकि चैनलिंग करनी होती है, तो अगर मैं वो चैनलिंग नहीं करती हूँ तो मेरी हेल्थ पे असर आ जाता है। अब जैसे एक चैनलिंग मुझे हुई थी, जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी, बट मैंने नहीं पहुँचाई, क्योंकि लोग डर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, उसका इफ़ेक्ट तुरंत हो गया शरीर पे। वो चैनलिंग ये थी कि आने वाले कुछ हफ्ते या महीने के अंदर ही, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो कान को अच्छा ना लगे सुनने में। मेरी अनएक्सपेक्टेड लोग डर के मारे छोड़ दिए, क्योंकि वो हमेशा सच हो जाती है और लोग डर जाते हैं। मैं इसीलिए ये नहीं चैनलिंग को बताना चाह रही थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत भयंकर होने वाला है, लेकिन ये चैनलिंग मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगातार एक एनर्जी का पुश दिया जा रहा है, तो देखिए क्या होता है सब। मैंने ऑलरेडी चैनलिंग में इनडायरेक्ट वे में बता दिया था, अनएक्सपेक्टेड में, कि महादेव रुष्ट है। आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले की अनएक्सपेक्टेड में मैंने ये चीज़ें बोली थी कि महादेव रुष्ट है, क्योंकि एनर्जी हैवी थी, बट मैंने पूरा ओपनली नहीं बोला।
तो वो एनर्जी ने इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया कि आपको बोलना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा बवंडर आएगा, आप बवंडर से तूफ़ान को, अर्थक्वेक को, किसी को भी रेजोनेट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी जानमाल की हानि भी होगी। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर फॉरेन में ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, इंडिया में वेस्ट डायरेक्शन में इफ़ेक्ट हो सकता है, कुछ इफ़ेक्ट नॉर्थ में भी होगा, कुछ इफ़ेक्ट नॉर्थ में होगा, ज़्यादातर वेस्ट में इफ़ेक्ट हो सकता है। इस तरह की चैनलिंग्स मुझे लगातार हो रही हैं, तो मैं इतना ही बता सकती हूँ, बाकी अभी मुझे कुछ क्लियर विजन नहीं है। सो चलिए, आपके पर्सन की एनर्जी में पहला कार्ड टावर है। सुबह एनर्जी हैवी थी, अभी भी हैवी है, इसका मतलब। और बताएं एंजल्स, ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके पर्सन स्टैंड लेने की वाइब्स में हैं। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन, यूनियन की वाइब्स हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करके आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। आइसोलेशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्लैरिफाई भी कर लूँगी मैं, मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। टावर क्यों आए एंजल्स? अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में किसी तरह का बड़ा टावर मोमेंट आपको देखने मिलेगा। अगर वो सिंगल हैं तो उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ पर टावर मोमेंट आपको देखने मिलेगा। ये भगवान का जजमेंट है, भगवान का निर्णय है। दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? ठीक है, यहाँ रख देती हूँ। कैसा टावर मोमेंट एंजल्स? क्यों आए हैं हेरोफेंट एंड एम्प्रेस? मूव ऑन कर लेंगे आपके पर्सन कार्मिक साइकिल से। वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद एट ऑफ कप्स। तो एनर्जी आप समझ रहे हैं, आपके पर्सन के सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने टावर के बाद इसको भी क्लैरिफाई कर दिया ताकि आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाए कि हेरोफेंट एंड एम्प्रेस आया है तो कहीं इनके वजह से आपके साथ तो टावर मोमेंट नहीं होगा। बट नहीं, यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो ख़त्म होगी, जिसके साथ कार्मिक बॉन्ड है वो रिलीज होगा। अगर आपके साथ कार्मिक है तो ये इफ़ेक्ट कर सकता है, अदरवाइज़ ये थर्ड पार्टी को ही इफ़ेक्ट करेगा। किंग ऑफ कप्स विद सिक्स ऑफ कप्स विद मजिशियन क्यों आए हैं? आपके पर्सन हर सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। द चैरियट विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिचुएशन बैलेंस हो तो भी ना हो तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो एनर्जी इज़ वेरी हैवी क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, लेकिन आपको लेकर चीज़ें आगे सुधरेंगी। आपको लेकर जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही है वो आगे चल के आपको सुधार दिखेगा उस प्रॉब्लम में। काफ़ी लोगों के पर्सन आपको मिस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके टच में आ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी इस वक्त, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। फाइव कार्ड्स, जस्टिस पहला ही कार्ड, न्याय संगत डिसीजन होगा आपके लिए, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। रोमांटिक एनर्जी है, पैशनेट है, आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मिस कर रहे हैं। ये आपको बहुत नर्चर करना चाहते हैं, जितना प्यार आपने इनको दिया है ना ये आपको लौटाना चाहते हैं उतना प्यार। इनको आप पे प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वेटिंग एनर्जी अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, पेशेंस नहीं है, ये जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। एक कार्ड आ गया है, प्रिंस ऑफ कप्स। आपके पर्सन समझ चुके हैं कि आप इनके लाइफ में क्या हो, आपके बिना ये कितना अकेला फील करते हैं या करती हैं,
इनको रियलाइजेशन हो चुका है और अब ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। सैड क्यों है? क्योंकि ये ट्रैप्ड हैं, मतलब मजबूर हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इनकी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। देखिए तलवारों के बीच में, अब ये तलवार थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी द्वारा कोई रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, इसलिए दुखी हैं। ठीक है, क्या ये वेटिंग पीरियड ख़त्म होगा? क्या आएंगे वापस, मैसेजेस कॉल्स करेंगे? जी बिल्कुल, बैलेंस होंगी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में, क्लैरिटी भी होगी। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर एनर्जी कम्युनिकेशन को दर्शाती है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स में रियलाइजेशन है, जस्टिस देने की भावना है और एक्सप्रेस करने की एनर्जी है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। मेरे व्यूअर्स की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं? ये एनर्जी 24 आवर्स के अंदर की है, 24 घंटे के अंदर रेजोनेट करेगी। कमिटमेंट की वाइब्स है, पहला ही कार्ड कमिटमेंट का है। आपके पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं इस रिश्ते में। यूनियन की वाइब्स है, डबल एसेस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, कमिटमेंट देंगे। अवेकनिंग, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन रियलाइज कर चुके हैं और अब ये क्विक डिसीजन लेंगे बिना रुके। कोई ना कोई मैसेजेस या कॉल्स आपको रिसीव हो सकते हैं 24 घंटे के अंदर, चाहे कितने भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, आपको कुछ गुड न्यूज़ भी देना चाह रहे हैं। ये भी बता सकते हैं कि आप इनके विश हो और ये आपके लिए किसी भी हद तक जाकर एक्शन ले सकते हैं या ले रहे हैं। यहाँ पे ट्रिपल एसेस आए हैं जो कि न्यू बिगनिंग को दर्शा रहे हैं। देन वी हैव यहाँ 313 की वाइब्स है, 911 की वाइब्स है, ठीक है, 818 की वाइब्स है और 111 की वाइब्स है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है आपके पर्सन के साथ, और बहुत जल्द होने वाली है क्योंकि आपके पर्सन ने दूर की सोच ली है कि मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे एक्शन लेना है, किस सिचुएशन को रिलीज़ करना है या किस सिचुएशन को बैलेंस करना है। और ये हैप्पी भी है क्योंकि इनको पता है कि आगे अभी चाहे जो भी सिचुएशन हो, बट आने वाले समय में इनकी हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं है, ये काफ़ी खुश रहेंगे, ये वाइब्स हैं। तो अभी के लिए एनर्जी हैवी है, तो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, और अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। काफ़ी लोगों के पर्सन से अगर आप बात करोगे और आप पूछोगे आपको किसी का डर है, तो वो डिनाई कर सकते हैं। हो सकता है वो इस बात से भी फियरफुल रहते हों कि आपको पता ना चल जाए कि ये डरते हैं किसी सिचुएशन से, ये एनर्जी है। इस वक्त पे डाउट क्रिएट मत कीजिएगा, एक दूसरे पर शक या ब्लेम से बचिएगा क्योंकि एनर्जी हैवी है। साथ ही कुछ बड़ा चेंज आने वाला है और यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर गिल्ट की भावना हो सकती है। हो सकता है कि आपको किसी बात का गिल्ट हो या आपके पर्सन को किसी बात का गिल्ट हो। इसके अलावा इमेजिनेशन की एनर्जी है, आप अगर लोअर वाइब्स में हैं तो कभी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा अपनी वाइब्स पहले स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मैम सब लोग स्पेल यूज़ करते हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन मैंने किया मुझे नहीं मिला।
जब मैं उनसे पूछती हूँ कि जब आपने स्पेल किया था तब आप किस एनर्जी में थे, तो बोलते हैं कि मैं बहुत इमोशनल थी या बहुत ज़्यादा सैड था और सैड होके मैंने वो स्पेल किया था। तो कभी भी जब आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो पहले अपनी एनर्जी को बूस्ट किया कीजिए। जब आप हायर वाइब्रेशन में होके मेडिटेट करके कंसंट्रेट करके खुश होके सच्चे दिल से हैप्पी होके उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ें कंपैरेटिवली जल्दी आपको मिलती हैं। और जब आपकी वाइब्स बिल्कुल लो है, आपको अंदर से अपने ऊपर ही फेथ नहीं है और आप यूनिवर्स पे फेथ करने चले हो, तो यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेना शुरू कर देती है, तो वो जल्दी आपको नहीं देते। तो इसलिए अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस किया कीजिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड मेरे इस आवाज़ को झेलने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।